हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंट्रोल वाल्व का ईमाइल में कंट्रोल वाल्व का डायफ्राम चेंज करेंगे। इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कैसे हम डायफ्राम चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में हम पार्ट टू पार्ट वाल्व को खोल रहे हैं। हम टॉप का हेड जो है खोल रहे हैं, चेन पुली लगा रहा है, चेन पुली की ज़रूरत पड़ेगा। ऊपर का नट बोल्ट पहले खोलेंगे, ऊपर का हेड जो है नट बोल्ट खोल के उसको आइसोलेट करेंगे। ऊपर का नट बोल्ट खोल के हेड हटा दिया, व्हील घुमा के जो अंदर में गियर है उसका पोजीशन चेक कर रहे हैं। देखिए अंदर में व्हील दिख रहा है, देखिए व्हील मूवमेंट हो रहा है, मैंडल घुमा रहे तो व्हील मूवमेंट हो रहा है। देखिए व्हील अब खोल लिया है, हमारा गियर भी खोल लिया है, एक गियर खोल के हटा दिए है। अब नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे हमारा व्हील मैनुअल हैंडल है उसको अब आइसोलेट करेंगे। अब देखिए मैनुअल व्हील को आइसोलेट कर रहे हैं। इसमें केलेंट की बोल्ट लगा हुआ रहता है, उसको खोलना ज़रूरी है। ये व्हील को हम रख दिए हैं, ये सारे पार्ट्स उधर रख रहे हैं। अब ये हमारा जो शाफ्ट है इसको घुमा घुमा के हमारा स्प्रिंग को लूज कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको घुमाने के साथ साथ स्प्रिंग ऊपर लिफ्ट हो के आएगा, तो पहले ये हमारा खोलना पड़ेगा। ये देखिए स्प्रिंग का ऊपर का जो प्लेट है ये देखिए मूव हो रहा है। बड़ा स्पैनर से इसको खोलना पड़ता है। अब देखिए कितना ताकत लग रहा है, दो मैन पावर मिल के खोल रहे हैं। अब देखिए वो लिफ्ट हो गया है, देखिए अब व्हील हमारा स्प्रिंग दिख रहा है, इधर से स्प्रिंग लिफ्ट हो गया है। और थोड़ा खोल के उसको बाहर कर देंगे। पूरा स्प्रिंग का जो टेंशन है उसको फ्री करना पड़ेगा घुमा घुमा के। अब ये नट बोल्ट डायफ्राम एरिया का नट बोल्ट खोलना स्टार्ट किए हैं, तो सारे नट बोल्ट खोलने के बाद ही यह ढक्कन लिफ्ट हो पाएगा, फिर हम एक एक करके उठा पाएंगे, हमारा डायफ्राम को खोल पाएंगे। देखिए अंदर का स्प्रिंग देखिए, पूरा टेंशन फ्री हो गया। अब चेन पुली से हमारा ये कंट्रोल वाल्व का बॉडी को लिफ्ट करना पड़ेगा, तो उसका एक जुगाड़ लगाना जारी है। अभी ठीक से बांधना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब देखिए धीरे धीरे चेन पुली से हम उसको पुल कर रहे हैं, धीरे धीरे लिफ्ट हो रहा है। देखिए बॉडी अंदर में, देखिए स्प्रिंग कैसे पोजिशन में है। पूरा बॉडी के ऊपर से हम निकाल लेंगे, उसके बाद फिर एक एक पार्ट्स को स्प्रिंग को हम हटाएंगे, फिर हम डायफ्राम को खोल पाएंगे। डायफ्राम के ऊपर देखिए एक प्लेट है, एमएस का एक प्लेट है। देखिए पूरा ढक्कन ऊपर लिफ्ट हो रहा है चेन पुली के थ्रू। ये काम अब मैनुअल भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। हम चेन पुली के हेल्प से कर रहे हैं, थोड़ा रिस्क कम करने के लिए। ढक्कन हट गया है, ढक्कन को नीचे करेंगे चेन पुली के साथ। देखिए धीरे धीरे उसको डाउन कर रहे हैं। ऊपर का प्लेट जो स्प्रिंग के ऊपर होता है उसको हम खोल लिए हैं। स्प्रिंग थोड़ा हैवी है, स्प्रिंग को थोड़ा हैवी है, तो
स्क्रीन को अब हटा दे रहा है, स्क्रीन निकल गया है और हमारा डायफ्राम खुलना बाकी रह गया है। डायफ्राम को हम चेक कर रहे हैं कहाँ डैमेज हुआ है। अब देखिए डायफ्राम को निकलने के लिए हमारा कपलिंग जो है नीचे होता है वाल्व के साथ, वो कपलिंग हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो उसमें एलन की बोल्ट होता है, तो एलन की बोल्ट खोल के कपलिंग को आइसोलेट कर रहे हैं। तो पॉइंटर जो है पॉइंटर को भी खोल दे रहे हैं, ट्रांसमिशनर का लिंक भी खोलना पड़ेगा। ये सारे खोलने के बाद हमारा डायफ्राम ऊपर से बाहर आ जाएगा। अब बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाएंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आपको देखना पड़ेगा, इसमें हम सिर्फ डायफ्राम को ही उठा पाएंगे। ये देखिए डायफ्राम को हम कैसे उठा रहे हैं। डायफ्राम उठाने के लिए पूरा शाफ्ट हमको बाहर निकालना पड़ेगा। बस हमारा डायफ्राम निकल गया है। अब डायफ्राम को हमको अलग करना पड़ेगा वो शाफ्ट के साथ जो है, उसमें पाइप रेंच चाहिए। पाइप रेंच के थ्रू जो चेक नट टाइप का है उसको खोलना पड़ेगा। ये देखिए हमारा डैमेज हुआ है डायफ्राम, ये डायफ्राम हमारा डैमेज है, इसको